बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी पर अलवर गैंगरेप पर राजनीति का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी दलित प्रेम का ड्रामा ना करें। बीजेपी सरकारों में दलितों का उत्पीड़न किसी से छुपा नहीं है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी बहन और बेटियों की इज्जत करना क्या जाने। मायावती ने पीएम मोदी की पत्नी को लेकर भी टिप्पणी की और जनता से पीएम मोदी को वोट ना देने की अपील की। मायावती ने कहा है कि पीएम मोदी आए दिन अपनी जाति बदलते रहते हैं, जबकि पीएम मोदी अगड़ी जाति के और पिछड़ी जाति के होने का दिखावा करते हैं। किसी भी पार्टी व नेता को अलवर की हुई दलित महिला उत्पीड़न की ये अति शर्मनाक व अति घृणित घटना को लेकर अपनी कोई भी सलाह देने का अब इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है, जबकि हमारी पार्टी इन सब दलित उत्पीड़न के मामलों में अपने पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर फिर सड़कों पर भी उतरती है। कि बीजेपी में खासकर विवाहित औरतें अपने आदमियों को श्री मोदी के नज़दीक जाते देखकर ये सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा घबराती रहती हैं कि कहीं ये मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पतियों से अलग ना करवा दे। भी ये दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना क्या जाने, जब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं। ये देश में अति पिछड़े वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए भी अपनी चुनावी जनसभाओं में ये भी कहते रहे हैं कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूँ, जिसकी वजह से मेरा विपक्षी पार्टियों के लोग आए दिन अपमान ही करते रहते हैं।